The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. All right, so bone density. What is bone density? Haddiyon mein kya hai jisse haddi itni strong hoti hai? See, strong bones are very important. Haddiyon ke taakat hona important hai. Aur bone ke andar jo minerals hote hain, bone mineral density, matlab jitne bone mein minerals bhare honge, utni zyada bone strong hogi. Aur ye sabse acha healthy way hai ye janne ke liye ki bone healthy hai ya nahi. इसमें हम ना सिर्फ बोन डेंसिटी बल्कि बोन मास इसको भी चेक करते हैं और हेल्दी पर्सन में ये पता चलता है कि उस सेम सेक्स के लिए उस सेम एज के लिए उतनी बोन डेंसिटी वो आपकी जितनी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं उस आपके उम्र के आपकी एज और आपकी सेक्स के पर्सन की एवरेज में आपकी उससे कितनी कम है कितनी ज़्यादा है तो पता चलता है कि आपको बोन डेंसिटी कम है या ज़्यादा है राइट और इसी से पता चलता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है बोन बहुत ज़्यादा वीक जिसे कहते हैं हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जानी ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है इससे पता चलता है कि आप कितने रिस्क पे है हड्डियों के ट्रक से टूट जाने के और आप ऑस्टियोपोरोसिस अगर है तो क्या वो ट्रीटमेंट काम कर रहा है हड्डी जो है वो कुछ बनी भी है या नहीं कोई प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है ये भी आपको इस टेस्ट से पता चल सकता है सो लो बोन मास यानी बोन मिनरल डेंसिटी इज नॉट लो इनफ कई बार टू बी ऑस्टियोपोरोटिस जो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हुआ लेकिन डेंसिटी कम है उसको ऑस्टियोपीनिया कहते हैं तो ऑस्टियोपीनिया यानी थोड़ी कम ऑस्टियोपोरोसिस यानी और ज़्यादा इसमें हड्डी एक्चुअली में गल गई है राइट और जो लो बोन मास यानी बोन डेंसिटी कम है उसके कारण बहुत से होते हैं कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है कई बार बोन के अंदर बोन डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा जैसे आप बड़े हो रहे हैं यंग एज में ऐसी कई कंडीशंस हैं कई दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऐसे कई जिसके वजह से ऐसा होता है और कई सारे चीज़ों में हाई रिस्क डेवलपमेंट बोन्स दवाई के वजह से और बीमारी के वजह से भी होता है कई स्टीरॉइड दवाई के वजह से होता है कई जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं उनके वजह से होता है इसलिए कई बार ये कहा जाता है सो अगर आपको बोन लॉस है अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो ऑब्वियसली आपको मोटा मोटा कैल्शियम विटामिन डी जिनसे बोन एक्चुअल बनती है वो तो लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है आपको करनी वो है एक्सरसाइज वेट बेयरिंग एक्सरसाइज यानी वॉकिंग या टेनिस डांसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इन योर केस डॉक्टर कैन ऑल्सो गिव यू मेडिकेशंस राइट जिससे कि बोन डेंसिटी बढ़े उन सब के बारे में हम बात करेंगे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट वो ज़रूर आपको कराना है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में राइट सो लेट्स स्टार्ट विद दैट